नमस्कार, इन्फिनिटर में आप सभी का स्वागत है। रामायण के अनुसार जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो पक्षी के राजा जटायु ने उन्हें देख लिया था और सीता को बचाने के लिए उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में उनका एक पंख कट गया और वो नीचे गिर गए। पर वो तब तक जिंदा रहे जब तक श्री राम जी उनके पास आए नहीं और उन्होंने राम को बताया कि सीता को रावण ने श्रीलंका लेके गए हैं। और आज हम इसी जगह की बात करेंगे, जटायु अर्थ सेंटर। यहाँ पे जटायु का स्टैचू बनाया, वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू है। इस स्टैचू को बनाए फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रप्चर राजीव आचल ने। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी स्टैचू या कुछ बनता है तो फॉरेस्ट नष्ट किए जाते हैं, पर इस जगह ये बहुत ही बंजर जमीन थी, सिर्फ घास थी और इसे पूरा जंगल बनाया दिया गया है। यहाँ पे एक नया इकोसिस्टम तैयार किया गया है। जटायु स्टैचू की चौड़ाई है 150 फीट, इसकी ऊंचाई है 70 फीट और इसकी लंबाई है 200 फीट, यानी ये पूरा एरिया 30,000 स्क्वायर फीट एरिया का है। जटायु अर्थ सेंटर ये चंद्रया मंगलम केरला में आता है और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से 52 किलोमीटर है। जटायु अर्थ सेंटर से जटायु स्टैचू के जाने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास रोपवे मिलती है और इस जाने के वक्त हमें बहुत ही अमेजिंग फॉरेस्ट व्यू देखने को मिलता है। जटायु स्टैचू के पास आज भी राम जी का फुटप्रिंट मौजूद है और उसी के बाजू में यहाँ पे उनका एक मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क भी है जहाँ पे जिप लाइन, आर्चरी या ऐसे ही 15 एक्टिविटीज़ करने मिलते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों और यंग लोगों के लिए करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। जटायु स्टैचू के नीचे 15,000 स्क्वायर फीट यार्ड जगह है जहाँ पे ऑडियो विजुअल त्रेता युग म्यूजियम बनने वाला है और 32 सीटर मल्टीप्लेक्स थिएटर बनने वाला है। जटायु स्टैचू दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टैचू है जिसके एक आँख से सनराइज और दूसरी आँख से सनसेट हम देख सकते हैं। इस स्टैचू का कलर जो है ये वेदर से हिसाब से चेंज होता है। अगर क्लाउडी वेदर है तो ग्रे कलर का दिखेगा और सनसेट या सनराइज रहेगा तो ये रेड कलर का दिखेगा और यही बात इस स्टैचू को यूनिक करती है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारा प्रोत्साहन बनाने के लिए कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।